जरा पूरा साफ करते हैं, कोई काम नहीं होता। पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को नीच बोलने का कभी नहीं, अभद्र भाषा का इल्जाम जो है उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस समय नीतीश कुमार जी के ऊपर लगाया था, इसके लिए आंदोलन भी छिड़ा गया, लेकिन ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना। अब बात यह है कि अब इनके जितने पुराने साथी पदाधिकारी नेता सभी लोगों का जो विलय जो है राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है, और सभी नए साथियों का हम जो है राष्ट्रीय जनता दल में स्वागत करने का काम करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी को जो है भारी मजबूती मिलेगी। और कई प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जैसे कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, पूरी युवा टीम होगी, तो पार्टी जो है कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से पार्टी में जो है कोई बचा नहीं है सिवाय उपेंद्र कुशवाहा जी। हम इस पर ज्यादा कुछ और टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बिहार के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बैसाखी पर, नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी है, हम तो कहते हैं चौथी नंबर की पार्टी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तीसरे नंबर की पार्टी उनको बनाने का काम किया, और तीसरी नंबर पार्टी का भी बिहार में मुख्यमंत्री है। कल भी हमने कहा था कि पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, इतना बेबस कमजोर लाचार असहाय मुख्यमंत्री पूरे देश ने नहीं देखा होगा। लगातार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही है, लगातार शराब की बिक्री हो रही है लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही है। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, शराब की बात हो, यहां पर विकास जैसे है ठप हो चुका है जबरदस्ती सरकार, चाहे शिक्षा हो, रोजगार की बात हो, हर तरीके से पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। अब देखिए ये नीतीश जी का ये दिन आ गए कि जिनको नीच कहते थे आज उनको ही पार्टी में लाने की बात कही जा रही है, तो मसला क्या है वो लोग बताएंगे, लेकिन पूरी जब टीम जब वापस आ चुकी है तो हम लोग सब लोग मजबूती के साथ जो है मौजूदा सरकार को घेरने का काम करेंगे और जनता के सवालों को उठाने का काम करेंगे। साथ में ही हमने आरोप लगाए थे कि कई ऐसे अपराधी गण हैं जो जनता दल यूनाइटेड में हैं, और आप लोग याद कीजिएगा विधानसभा में भी हमने कहा था कि कई ऐसे सदस्य यहां भी बैठे हैं जिनको गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार जो है संरक्षण देने का काम करती है, सभी को संरक्षण दिया, सृजन घोटाला हो या कोई घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह हो, आप सब लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते लोग तो सही कार्रवाई नहीं होती। कुछ दिन पहले कल जो है मंत्री के यहां शराब पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं की। एक मंत्री के भाई जो है वो खुले आम सरकारी उद्घाटन करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोपालगंज से एक विधायक आते हैं सरेआम, उन्होंने ट्रिपल मर्डर किए, कई अपराध किए, यूपीए पुलिस के एसटीएफ ढूंढ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक वही पश्चिम चंपारण के तरफ से वहां के विधायक थे जनता दल यूनाइटेड के धीरेन्द्र प्रसाद सिंह और फरीदपुर सिंह, कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि रिंकू सिंह जी ने एक हत्या करने का काम किया, और आप चाहेंगे तो थोड़ा सा एक कुर्सी यहां लगवा दीजिए, आइए बता रहे। इनकी धर्म पत्नी जो है
जिनकी हत्या हुई थी स्वर्गीय दयानंद वर्मा जो कि पूर्व जिला पार्षद है, 14 फरवरी को धीरेन्द्र सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक है उन्होंने हत्या किया, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई घर पकड़ नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले दयानंद वर्मा जी की धर्मपत्नी और परिवार के सदस्य हमसे मिलने आए थे और हमने कहा था कि आपको जो है इंसाफ दिलाने में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा बल होगा, जो प्रयास होगा, अपराधियों को पकड़ने में हम पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। अब हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी है, अब तक इनको न्याय नहीं मिला, विधायक की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, यही है असली जंगल राज। जहां सरकार सत्ता जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस राक्षस राज्य में जो है राक्षस जो सरकार चल रहा है उसमें पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। पुलिस का एनकाउंटर होता है, शराब माफिया करते हैं, लेकिन क्या ठोस वजह है, गिरफ्तारी है, वो अभी तक धरपकड़ नहीं हो पाता है। तो आज धर्मपत्नी जी हमारे साथ है जिनकी हत्या हुई, हम चाहेंगे उनसे कि आप लोग के सामने जो है अच्छा बात करते हो, अपनी बात को बंद रखना। मेरे पति दयानंद वर्मा जो जिला पार्षद थे 14 फरवरी के 7:15 बजे के करीब रिंकू सिंह विधायक और सतीश उसके अपने 2-4 आदमी के साथ आकर उनसे थोड़ा सा घर का प्रति किया। पुलिस के मौजूदगी में मेरे आंखों के सामने उन पर गोली चला दी गई, विधायक की अनुमति से बोला मार दो गोली और उन पर गोली चला दी गई। मैं नहीं खड़ी थी, पुलिस की मौजूदगी में उन पर गोली चली, नौरंगिया थाना का पुलिस वही खड़ी थी, उन पर घर थोड़ा सा घर पकड़ किया और उसके बाद वो गिर गए। गिरने के बाद विधायक बोला कि मार दो साले को गोली, मार दो साले को और उन पर बड़ी तुरंत गोली चल गई। इसके पहले तो मैं कुछ समझ पाती, उनको मार दिया और मैं चारों तरफ सबके सबसे गुहार लगाती गई, चारों तरफ चिल्लाती गई, पुलिस एसपी साहब सबके सामने में चिल्लाती गई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एक एक सकी नाम का जो ठेकेदार था वो आत्मसमर्पण किया है, एक जो था बबलू जायसवाल उसको घटना स्थल पर वहाँ का पब्लिक उसको पकड़ ली, पकड़ के मारपीट किया, फिर उसको पुलिस के सामने उसको सुपुर्द कर दिया। वो विधायक का गाड़ी का नंबर वहाँ से लोगों ने नोच लिया, नोच के भी पेपर में भी आया, पुलिस को भी देखा, लेकिन विधायक की अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं थी। ये उसे सब मैं लेकर आई हूँ वहाँ का सबसे चीज, अभी तक सबसे मैं यही कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरे पति का हत्या हुआ, खुद विधायक जदयू विधायक अधीरेन्द्र प्रताप सिंह रिंकू सिंह खड़ा होकर उन पर गोली चलवाया है, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं हुई। मैं दो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर दाल बदल इधर उधर घूमने का रही हूँ, मेरे वही एक गार्जियन थे, मेरा दूसरा कोई नहीं है, और लेकिन मुझे कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। बहुत उम्मीद के साथ मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ से मुझे तो उम्मीद है कि शायद मुझे इंसाफ मिल जाएगा, चारों तरफ मैं भटक रही हूँ लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। 14 फरवरी से आज 12 तारीख हो गया, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। सभी लोग अभी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं मैं कैसे लाई नहीं हूँ, सब कुछ लेकर आई हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एसपी बोल रहा है कि कोई गवाही नहीं दे रहा है, जबकि वहाँ पर लोग सपा किए पैदल वासी का आप देख सकते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा महिला है, उनका ठीक कहना है कि खुद ही वहाँ मौजूद थी जब ये घटना हुई थी, उनके सामने जो है उनके पति की हत्या कर दी गई, कि कोई जो है कार्रवाई सरकार ने अब तक नहीं की। इन्होंने ये भी कहा कि दर दर भटकते भटकते कई जगह ये पहुंचने का काम की, चाहे एसपी हो या और कोई अधिकारी हो, लेकिन इनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए नीतीश कुमार जी के दबाव में सभी अधिकारियों ने काम किया। अब इसलिए हम लोग कहते हैं
कहते हैं कि यहाँ सुशासन नाम की चीज बिहार में कुछ नहीं। सवाल तो उठेंगे नीतीश कुमार जी से क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, उनकी ही जवाबदेही है। अब हम लोग चाहते हैं सदन में भी ये मसला कई बार मामलों हम लोग जब उठाते हैं, हम लोगों का काम है कि सरकार को आईना दिखाया जाए और जो लोग हैं उनको न्याय दिलाया जाए। लेकिन सरकार जो है लगातार हाउस में गंभीर दे रहती है, जवाब देने से बचती है, कुछ बोलती भी है तो झूठ बोलती है। इससे हम लोगों का पूरा और विधानसभा में चलेगा तो इस मामले को हम लोग उठाएंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उनकी हत्या हुई उनके परिजनों को जो है न्याय मिलना चाहिए। जब इन्होंने देखा है साक्ष है कि पीड़ित महिला है, आखिर क्या वजह है? सब कुछ बोलने के बाद भी, कहने के बाद भी, देखने के बाद भी, सबूत होने के बावजूद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाती। मंत्री के भाई की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है जो शराब बंद जिनके हाथ से पकड़ा जाए। सृजन घोटाले वाले जो अपराधी हैं प्रिया और मनोरमा देवी के जो बेटे, अब तक गिरफ्तारी नहीं। आखिर क्या कारण है? ये कहीं ना कहीं से इनको अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है और बचाने वाला और कोई नहीं केवल नीतीश कुमार जी है। इसलिए हम लोग आप लोगों के सामने सोचे कि सारी चीजों को रखना चाहिए। हमारे पास आई थी, हमने कहा था कि भाई ये बात है तो सब लोगों के सामने आप कहिए, हम आपका साथ देंगे। और आज आपने जो है इन्होंने आप लोगों के सामने ये बातें रखी है। और कोई सवाल आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पहले तो न्याय मिलना चाहिए ना, और जो संरक्षण देना है कौन संरक्षण देना है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि बचाव कौन रहा है। इसके कहने पे पुलिस जो है गिरफ्तार ये कर रही है। तो आज दो चीजों को लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक तो भाई वीरेंद्र जी अपने सभी साथियों के साथ प्रोलोस्पा का विलय केवल उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ करके उनको बाहर करके पूरी यूनिट जो है राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दी। और दूसरा जो रिंकू सिंह जो विधायक जो हत्या का आरोप लगा है और जो पीड़ित महिला है जिनके पति की हत्या हुई है, आज आप लोगों के सामने इंसाफ की गुहार मांगने का काम किया। मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है इन सारी चीजों को भली महिला को इंसाफ दिलाने का काम गिरफ्तार होना चाहिए, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। कौन से दल से शराब पी के डांस करते उनका लगाते कोई कार्रवाई नहीं होती, हत्या कर देते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती, शराब का पूरा स्टॉक करते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती, आखिर कार्रवाई होगी? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।